पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जिला पठानकोट को टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए मिनी गोवा चमरोड में जेट स्की और पैरा सेलिंग शुरू करने को टेंडर किए जाएंगे, जबकि रंजीत सागर बांध के कुल्लारा आइलैंड पर 20 करोड़ खर्च कर 20 कैंपिंग हट्स बनाने का फैसला भी हो गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पठानकोट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान राकेश और ने बताया कि पंजाब सरकार की मंशा भले ही ठीक हो, लेकिन जब तक 500 से 700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब तक पठानकोट को टूरिस्ट हब बनाने की बातें मात्र हवा हवाई ही है। देखो, एक तो सब तो बड़ी गल पहले यह शुक्र है परमात्मा का कि उन्होंने अभी 10 साल तो सरकार वह ध्यान दे रहे ही। पहलिया सरकार ने भी यही काफ़ी बार चिट्ठिया लिखिया है कि साडा पंजाब दे विच सब तो वड्डा एरिया जो टूरिस्ट हब है वह पठानकोट च होना चाहिए। वह कारण भी दसे ही इन्होंने कई कि 50,000 टूरिस्ट डेली पठानकोट क्रॉस करता, जिस वैष्णो देवी, चमंडा माता, धर्मशाला, मकलोड़गंज, डलहौजी, अमरनाथ यात्रा, मणिमहेश यात्रा सब साढ़े इलाके क्रॉस करके ही लोग जाते हैं। टूरिस्ट तो साढ़े इलाके आता है, लेकिन पठानकोट रुकता नहीं। और साडा जिहड़ा इन्होंने टापू पसंद किए जिहड़ा जिथे मिनी गोवा के नाँ से मशहूर होया, और सरकार नू बर्फ का बड़ा वधिया स्कोप है। उत्थे 30 किलोमीटर दूर तो बर्फ पै जाती है, इस करके एरिया जो ठीक सी, लेकिन सरकारां बड़ियां वरियां आईयां और बड़े बयान दिते है, पर तकरीबन उत्थे जो होना चाहिए प्रैक्टिकल जो मौके उत्थे होना चाहिए वह हो नहीं पाया। और अगे भी आई थोड़े दिन पहले, अज तो कोई 3 महीने पहले साढ़े सेंटर के मिनिस्टर जी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा है कि पठानकोट के टूरिस्ट हब बनाया जाए और बनाने में सारे लोग इंटरेस्टेड ने, लेकिन उत्थे 200-500 हज़ार करोड़ रुपया लगेगा तो टूरिस्ट हब बन सकता है। उत्थे 5-7-10 करोड़ रुपए नाल कुछ नहीं बनना। सरकार ने हुण भी, मैं थोड़े दिन पहले भी पेपर बयान पढ़े जिस 20 करोड़ रुपया उन्होंने इशू किया उन्होंने डिवेलप करने लिए, लेकिन जितने सब तो वड्डा समस्या पहले है कि उत्थे एक पोर्ट बने, क्योंकि बोटिंग उत्थे आ गई है, लेकिन बोटिंग च हर बंदा जा नहीं सकता। जवान बच्चा तो 15-20 साल का बच्चा तो जा सकता है, जो 30 साल या 40 साल प्लस भी है वह भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह बिला टुटिया फुटिया और उपड़ खपड़ पत्थर वाला इलाका है, उसे स्लिप हो के नहर च डिगन के चांस ज्यादा ने, इस करके उत्थे कोई आम बंदा नहीं जा सकता। और सब तो पहले तो पोर्ट बने, वो पोर्ट से ही 10-20-50 करोड़ रुपया लगा के पोर्ट की तैयारी होनी है, जहाँ कि प्लेटफॉर्म तैयार हो, स्टैप तैयार हो, लोग बोट तक जा, क्योंकि वो है डैम का एरिया, पानी स्टॉक करने वाला एरिया जिस पानी इकट्ठा करते हैं, वे सारा साल वरतते हैं, जो बरसात आती है घट्टो घट 50 फुट 100 फुट हाइट लै लैंदा पानी, उस थलड़ियां पौड़ियां सारिया जो थलड़ा इलाका सारा वो डुब जाता, और बाद जिदा जिदा पानी डाउन जाता है तो सारिया पत्थरीलियां चीज़ा लगनिया शुरू हो जाए तो चलने का रस्ता खत्म हो जाता और गारा गुरा सब उ आ जाता। इस करके असं कहने कि उन्होंने सब तो पहले तो पोर्ट में तैयार किया जाए, जिदा बोटिंग का सब तो ज़्यादा जो आनंद है, लोग गर्मियों भी लेंदे ने टूरिस्ट वो लेंदे ने बोटिंग का स्पोर्ट्स, उस सब तो वधिया एरिया बोट ही अच्छी लगती है, तो बोट तक पुजन का एरिया ठीक किया जाए। और ये जो प्रोजेक्ट उत्ते जो सरकार ने ध्यान दिता है बहुत अच्छी गल है, और सरकार का ध्यान जाना भी चाहिए ही, पंजाब का सब तो वड्डा एरिया उही है और टूरिस्ट एरिए अं कहने कि सरकार उत्थे घट्टो घट 500-700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाए, भाएँ अपने ना सेंटर गोरमेंट ना जोड़ ले, सेंटर गोरमेंट भी इंट्रस्टड है कि इनू डिवेलप कर, क्योंकि मैं मोदी जी की भी एक बार स्पीच सुनी ही और स्मार्ट्स के नाते जो प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट स्टेशन इदा जो स्मार्ट टूरिज्म पर भी काम कर रहे हैं। स्मार्ट टूरिज्म के भी सरकार ने यह किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हिंदुस्तान जिन्हें भी टूरिस्ट एरिए डिवेलप हो सकते हैं उन्होंने माइक्रो स्टडी करके सू दसे जा, सरकार चाहे तो भारत सरकार के जुड़ के ये प्रोजेक्ट में सिरे चढ़ाए, उस 500-700 हज़ार करोड़ रुपए लियाए जिन्हें कि यह डिवेलप हो सके, और उस एरिए जिनी बाकी जगह है, क्योंकि जो अं ममून तो मोड़ कटते हैं उतों लैके तो दुनेरे तक का जो एरिया है उत्थे कोई सरकार ने धारा भी लगाई दी प्रोजेक्ट बनाने रोकों भी है कई तरह दियाँ, और जिदा डलहौजी वाले परमिशन मिलती है डलहौजी वाले, डलहौजी भी सेम देखो सेंट्रल गोरमेंट का एक्ट है उत्थे, तो सेंट्रल गोरमेंट जो डलहौजी वाले होटल बनाने की परमिशन देती है तो पंजाब सरकार भी दे सकती है, और भी डिस्कशन करके उन्होंने जल्दी मंजूरियां देने वाली प्रॉपर्टियां फ्रंट पर पैदा जिते होटल जिते बन सकते हैं रहन दे। देखो जो 4-5 हज़ार बंदा 10 हज़ार बंदा डेली अप डाउन करेगा उत्थे उत्त रहन की भी जगह चाहिए टूरिस्ट को, सरकार इन्ने पैसे तो लगा नहीं सकती क्योंकि अच्छा तो 20 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपये एक 4-5-10 कमरे का होटल भी नहीं बनता, इस करके उन्होंने बाकी लोग भी उत्तर पैसे इनवैसट कर टूरिस्ट को सुविधा लगे उत्तर रहन की आन की जान की, उधर भी सरकार परमिशन बना दा कोई सिस्टम बनाए ईजी वे ना कोई सिस्टम दे, इस करके जो काम करे तो पंजाब का ये पठान पंजाब का ही नहीं ये पूरे हिंदुस्तान पठानकोट का नाम होगा और टूरिस्ट हब के उत्तर नाते मशहूर होगा।
देखो योगदान एक कली गल करनी एक उन्हों प्रैक्टिकली उन्हों सिरे चढ़ाना दोनों च अंतर हों हले तक प्रैक्टिकली कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि देखो टूरिस्ट पठानकोट होटल तो है ने लेकिन होटल कोई इन्ने सक्सैसफुल नहीं हो पठानकोट के होटल कोई इन्ने कामयाब होटल नहीं है वह कारण है कि टूरिस्ट तो खिलोंदा ही नहीं ये कंपनियां कुंपनियां ने कहा जी हिमाचल गेटवे होने करके तो लोग रुक जाते हैं वैष्णो देवी का गेटवे होने करके रात नेरा पै गया लोग रुक जाते हैं टूरिस्ट शौक न और पैसे खर्चे टूरिस्ट पठानकोट नहीं रुकता जे टूरिस्ट हब बन जाए जे टूरिस्ट हब बन जाए और मिनी गोवा डिवेलप करके सरकार उत्ते चुके तो फिर कोई दो राय नहीं पठानकोट होटल इंडस्ट्री में बहुत फायदा होएगा बड़ी जल्दी उत्ते उठेगी और ये सारे पंजाब में ही फायदा होएगा क्योंकि जोड़ा वाला सिस्टम हों टूरिस्ट वाला टूरिस्ट ने फैक्ट्री लगाना की ज़्यादा लोड़ नहीं होंगी फैक्ट्रिया के पोल्यूशन प्रोटेक्शन होर कई कुछ होंगे होटल इंडस्ट्री कोई पोल्यूशन नहीं करता होटल इंडस्ट्री वह कुछ करता जो एक आम घर के घर जिदा कपड़े धोने हैं खाना बनाना वह जो काम ही करता ये कि पोल्यूशन भी नहीं होंगे इस करके सरकार इन्होंने इजाजत दे और होटल इंडस्ट्री ज़्यादा तरक्की कर सकती जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल बहुत महंगा गलत आप सलारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा लाभ फ्री करेगा धन्यवाद।